दोस्तों हमारे पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फीएस्टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, कुछ खबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों हम लोग को फाइनली जीत मिल चुकी है और आप लोग के मन में जो सवाल था सर 22 तारीख की क्यों डेट दिया गया है, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं वे सभी स्टूडेंट के लिए जो इसके मन में अभी भी डाउट चल रहा है सर 22 तारीख की क्यों डेट दिया गया है। तो सारी जानकारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं जो 22 तारीख की क्यों डेट दिया गया है, आखिर कारण क्या है। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एनएम दसर सासोनो पुस्ट का फॉर्म भरे थे और चाहते थे काउंसलिंग के आधार पर वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों एक बार सभी पिक देख लीजिए आराम से, पहले हम दिखा देते हैं उसके बाद पढ़ के भी सुनाएंगे। देखिए पंकज जी भेजे हैं हर चीज़, देख लीजिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं, पहले ऊपर देख लीजिए उसके बाद जो है आप लोग 22 तारीख जो पढ़ रहे थे सर 22 तारीख क्या होने वाला है, 22 तारीख क्या होने वाला है, तो चलिए हम आपको बताते हैं 22 तारीख क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं बोला था कि के जीतूंगा और वही हुआ। जिस प्रकार अपने प्रकांड वकील अभिनव श्रीवास्तव सर ने पूरे 2 घंटे बहस किए और एक देखिए यहाँ पर एविडेंस को इस बहस में रखे, एक एक करके सभी एविडेंस को इस बहस में रखे, यहाँ तक कि कर्नाटक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अंत में आप लोग का हनुमान सुरजीत कुमार की ऑर्डर यानी LPA 206/2021 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार लैब टेक्नीशियन की ऑर्डर लगाए। इसके बाद आयोग के वकील को एक भी जवाब नहीं जुड़ा और अंत में जज साहब आयोग के वकील को बोले आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने बोला सर हमें एक दिन का समय दिया जाए, तो उन्होंने एक दिन का समय देते हुए पुनः 22/2/2024 की सुनवाई हेतु समय दिया, लेकिन आप लोग समझ ले कि 99.9% जीत मिल चुकी है, यानी अब ऑर्डर 22 तारीख को सुनाई जाएगी। जिस प्रकार लैब टेक्नीशियन का केस जीतकर इतिहास बनाया, आज NM बहने का केस जीतकर इतिहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और साथ ही अर्चना जी, उषा जी और मेरे बिहार से तमाम आए सिस्टर्स और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत कुमार प्रदेश अध्यक्ष बिहार, देख लीजिए प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ, संयुक्त मंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। उसके बाद देख लीजिए अभी मीडिया में लाइव आके भी बताए हैं, उसके बाद चलिए आगे बताते हैं। पिक तो हम आपको बताए दिए, अभी देखिए सभी पिक है, पिक भी एक बार देख लीजिए अच्छा से कितना खुश है। मतलब ऑर्डर रिजर्व रखा गया क्योंकि जो विभाग के वकील हैं उनके पास तो कुछ बोलने का कुछ नहीं बचा, तो वह बोले हमें हुजूर एक दिन का समय दीजिए, तो अपना वह बोलेगा क्या, देख लीजिए ठीक है। तो फाइनल रिजर्व में रखा गया है, समझे, ऑर्डर जो है रिजर्व रखा गया है, कल सिर्फ जो है आपको परसों सुनवाई होगी। इसमें आप लोग बता रहे थे, देखिए यहाँ 22 तारीख सही में दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए यह वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन है जो आप लोग बोले थे सर 22 तारीख फिर क्यों दिया गया, तो 22 तारीख यही दिया गया है जो ऑरल ऑर्डर और ऑर्डर आपको ऑर्डर उस दिन 22 तारीख का होगा। मतलब क्या है, केस को रिजर्व रख लिया गया है, बस फैसला उस दिन आने वाला है क्योंकि कुछ नहीं बोल पाए जो विभाग के वकील है उसके पास कुछ बचा ही नहीं। हम आपको बोले थे जो शुक्रवार को हम भेजे थे, हम अपने सहयोगी को भेजे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाने के लिए, इलाहाबाद कोर्ट के ऑर्डर लगाने के लिए, कर्नाटका के ऑर्डर लगाने के लिए। उसके बाद देखिए और हमारे मेहनत रंग लाया आपके सामने में, ठीक है, लोग कितना खुश है सो देखिए कितना खुश है, ठीक है, तो सभी लोग कितना खुश है आपके सामने में आप देख लीजिए एक बार। यही जानकारी देने वाले थे या वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन थे जो आप लोग बोल रहे थे सर फाइनल जो है ऑर्डर के बारे में बोल रहे थे सर क्यों 22 तारीख को दिया गया, तो फाइनल डिसीजन आपको जो है क्योंकि आयोग के वकील कुछ बोलने का मौका नहीं, उसके साथ कुछ नहीं था तो वह क्या बोलेगा, इसलिए वो एक दिन का समय ले लिएगा। तो 99.9% हम लोग जीत गए, मतलब हम लोग पूरा जीत गए, बस उस दिन आपको जो है फाइनल जजमेंट आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा, ऑरल ऑर्डर आ जाएगा, तो आप लोग मानिएगा ठीक है। तो चलिए यही जानकारी देने वाले थे, आपके मन में जो भी सवाल था सारे डाउट क्लियर हो गए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को जो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से, हमारी बाहर की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।